नमस्कार दोस्तों, अविल गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं पर्यायवाची शब्दों को सीखने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समीक्षा अधिकारी का पेपर आ गया है और उसमें हिंदी एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिसमें कि हमें 200 में से 60 नंबर स्कोर करने होते हैं। और अगर हम 60 नंबर स्कोर कर लेते हैं, 60 में 60 नंबर, तो हमें मेरिट लिस्ट में ऊपर अपना नाम देखने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस पूरे पीडीएफ को स्क्रॉल कर देती हूँ। स्क्रॉल करने से मतलब है आप इसे ऊपर से नीचे तक पूरा देख लीजिए। इसमें हमारा कलेक्शन है यूपी आरओ और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जितने भी एग्जाम होते हैं, पर्यायवाची शब्द आए हैं, उनका कलेक्शन है हमारे इस पीडीएफ में। तो आप देख लीजिए, मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट यानी कि जो भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, उनको मैं एक बार बोल दूंगी और आप उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। हो सकता है मैं आपको इन पर्यायवाची शब्दों का कुछ ऐसा ट्रिक भी बताऊं जिससे आपको एक दूसरे से कनेक्ट करने में बहुत ही आसानी हो और आप बहुत ही ईजिली इसको याद कर पाए। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसे शुरू से लेकर के लास्ट तक। ऐसे ही ये पीडीएफ पूरे 13 पन्नों का है। ये रहा 10वां पन्ना, ये 11वां और ये 12वां 13वां पन्ना हो गया। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब मैं इसे शुरू करने जा रही हूँ। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट, सबसे पहले यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2010 के पेपर में देखते हैं, जिसमें कि बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आए हुए थे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द है वो है सरस्वती। सरस्वती ये देखिए यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर सरस्वती लिखा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है और इसको आप ध्यान से देखिए कि ये लिखा कैसे है, क्योंकि इसके साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम में इसके करेक्शन करने को भी आता है। सरस्वती लिखते हुए चार वर्ड इससे मिलते जुलते लिखे जाएंगे और उन वर्ड्स में हमें सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा सरस्वती वर्ड सबसे सही लिखा हुआ है। इसलिए आप पर्यायवाची शब्दों के साथ साथ इस सरस्वती शब्द को भी देखते चलिए। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है भारती। वीड़ापाड़ी, वीड़ापाड़ी तो हम सबको पता है, वीड़ा पाड़ी यानी जिसके हाथ में वीड़ा हो। पाड़ी मतलब हाथ, यानी पाड़ी वर्ड कहीं भी आएगा उसका मतलब कि हाथ होता है। और उसके आगे जो शब्द लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पाड़ी के आगे वीड़ा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाथ में जिसके वीड़ा हो। इसी तरह चक्र पाड़ी अगर लिखा हुआ है तो जिसके हाथ में चक्र हो। और हम सबको पता है कि चक्र किसके हाथ में होता है, भगवान विष्णु के हाथ में, और वीड़ा किसके हाथ में होती है, माता सरस्वती के हाथ में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। लिखा हुआ है महाश्वेता इला वागीश ब्राह्मी। एक दवा भी होती है जिसे हम लोग खाते हैं अपना दिमाग बढ़ाने के लिए, तो आप जान जाइए जो ब्राह्मी होती है वो सीधे सरस्वती जी को आपके दिमाग में बसा देगी। इसके बाद है गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा। ओके, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जनार्दन। जी हाँ, ये सरस्वती और विष्णु ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर ही पूछे जाते हैं, इसलिए ये मैं दूसरा वर्ड बता रही हूँ जनार्दन, जिसका पर्यायवाची शब्द है विश्वंभर। नारायण, ये तो सबको पता है, नारायण नारायण नारद जी बोलते रहते हैं। अच्युत, एक सॉन्ग है अच्युतम केशवम, तो उसमें जो अच्युत वर्ड आया है वो एक्चुअली जनार्दन यानी भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए कहा गया है। उसके बाद है चक्रपाणि, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है पाणि का मतलब हाथ होता है, और चक्रपाणि यानी जिसके हाथ में चक्र हो, और चक्र भगवान विष्णु के हाथ में होता है यानी कि जनार्दन के हाथ में। इसके आगे का शब्द है मुकुंद, गरुण ध्वज, लक्ष्मीपति, ये सब आप लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। जलशायी, चतुर्भुज, ये सभी जनार्दन यानी कि भगवान विष्णु के पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद आते हैं समुद्र। समुद्र यानी सागर, इसका पर्यायवाची शब्द पयोधि, जलधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, नीर निधि, अवधि, जलधाम, वारिश,
अर्णव रत्नाकर पारावार। इसमें आप एक बात ध्यान से देखिए कि इसमें जो समुद्र की पर्यायवाची शब्द है, जैसे कि पयोधि, जलधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, ये सब आखिर में है क्या? पयोनिधि, नीरनिधि। इसमें आपने देखा कि पयो के आगे निधि जुड़ा हुआ है, नीर के पीछे निधि जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रही हूँ कि जैसे हमें पता है कि जल जल का पर्यायवाची होता है अम्ब, तोय, नीर, वारि, सरिस, पंख, जल। ये तो हम सबको पता है। इस जल का पर्यायवाची अगर हम याद कर लेंगे तो इसके साथ साथ हम तीन और शब्दों का पर्यायवाची बना सकते हैं, जो कि है कमल, बादल और समुद्र। ध्यान से देखिएगा, जल का पर्यायवाची हमें याद करना है और उससे हम कमल का, बादल का और समुद्र का पर्यायवाची आसानी से याद कर सकते हैं। कमल के लिए बस हमें जल के सभी पर्यायवाची के पीछे जा लगा देना है, जैसे अंबुज तोय का तोयज, नीर का नीरज, वारि का वारिज, सरिस का सरिसज, पंख का पंकज और जल का जलज। इस तरीके से बादल के पर्यायवाची के लिए हमें जल के पर्यायवाची, जैसे अम्बु है तो उसके पीछे हमें दा लगा देना है, यानी अम्बु का अम्बुद, तोय का तोयद, नीर का नीरद, वारि का वारिद, सरि का सरिस का सरिसद, पंख का पंकद, जल का जलद। इसके साथ ही साथ हम इस जल के पर्यायवाची से समुद्र का पर्यायवाची भी बना सकते हैं, लेकिन हमें उसके लास्ट में निधि जोड़ना होगा। कुछ में हम निधि का विच्छेद करके उसको निधि ही पूरा लिखते हैं और कुछ को हम निधि को उसमें जोड़ के लास्ट में धी लगा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे नीर है तो नीर निधि, वार निधि को हम वारिधि लिख देते हैं, जल निधि को हम जलद भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अम्ब निधि, तोय निधि, नीर निधि, वारिधि, सरिसधि, पंख निधि, जल निधि, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं और भी हम देख लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नहीं हम देखेंगे। हमने इसके पहले सरस्वती को देखा, जनार्दन को देखा और समुद्र को देखा। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची मृगेंद्र। क्या है मृगेंद्र? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है केहरि, शार्दूल। शार्दूल को एकदम दिमाग में अपने रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंह यानी शेर, जो कि जंगल का राजा होता है। नखायुध, नाहर, केसरी, हरि, इसे हरि भी बोलते हैं। वनराज, मृगराज, शेर। अब देखिए, मृगराज और वनराज ये दोनों मृगेंद्र यानी कि सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसे आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पुंडरीक, व्याघ्र, पंचानन, केशी। इसके बाद अगले शब्द पे आते हैं जो कि है कमल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमल का पर्यायवाची शब्द है इंदिवर, नलिन, सरोज, राजीव, सरसिज। सरसिज है। शतदल, शतदल यानी कि सहस्त्र दल। कंज, ताम, रस, कुशेशय, कुवलय, कोकनद, उत्पल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है पर्यायवाची के, जिन्हें हम आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला शब्द हम देखते हैं जो कि है मोर। मोर का पर्यायवाची शब्द है मयूर, केकी, सारंग, नीलकंठ, कलांजी, शिवसुत, वाहन और शिखी। केकी और शिखी, इसमें से कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो कि हमने कभी नाम ही नहीं सुने होते हैं, तो आज अगर हम लोग ये पीडीएफ सुनते हैं, ये पीडीएफ देखते हैं, तो हम उन शब्दों से भी परिचित हो जाएंगे जिनका हम अपने डेली लाइफ में प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वे पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे कि मोर के संदर्भ में हमने केकी और
सिखी शब्दों को देखा। इसके बाद हम लोग कृष्णा यानी कि द्रौपदी की बात करते हैं। कृष्णा का पर्यायवाची शब्द है द्रौपदी, द्रुपद सुता, याज्ञ सेनी, पांचाली, ये सब तो सबको पता है, और सैरंद्री। सैरंद्री एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पर्यायवाची शब्द है कृष्णा यानी कि द्रौपदी का, इसको हमें हमें बिल्कुल भी ध्यान रखना है। इसके बाद अगला शब्द है ब्रह्मा। ये देखिए यहाँ पर ब्रह्मा लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ब्रह्मा का। ये जितने भी देवी देवता है इनका पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें उनका पर्यायवाची पहले देखना। ब्रह्मा हुए, इंद्र हुए, अभी आगे मिलेंगे इंद्र भी, हमें उनका भी पर्यायवाची बहुत ध्यान से देखना होगा। ब्रह्मा का पर्यायवाची है कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, यानी कि जो स्वयं से प्रकट हो। जैसे हमें पता है कि ब्रह्मा जी सभी के जन्मदाता है, लेकिन ये स्वयंभू है यानी कि इनका जन्म स्वयं ही हुआ है, इस प्रकृति से स्वयं ही हुआ। हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंचि, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा। नाभिजन्मा से आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, क्योंकि विष्णु जी के नाभि से जो कमल निकला था उसी पर ब्रह्मा जी का आसन है, और ये कहा भी जाता है कि ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु जी के नाभि से हुआ है। तो फिर इसके आगे चलते हैं, अगला शब्द है इंद्र। देखिए अभी कही रही थी और इंद्र भगवान प्रकट हो गया। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है शक्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, जल्दी हम लोग सुनते नहीं है, इस वजह से ये पूछा भी अक्सर जाता है, तो शक्र को हम दिमाग में रखेंगे अपने। इसके बाद में है पुरंदर, मधवा, देवराज, सचिपति, सची इंद्र की पत्नी का नाम था इसलिए ये सचिपति हुए, सहस्त्राक्ष, सुरपति, सतऋतु, विडौजा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अक्सर पूछा भी जाता है और हमें ध्यान से इसे पढ़ने की जरूरत है। विडौजा, देवेंद्र, वासव, सुरेश, जिष्णु, जी हाँ विष्णु नहीं जिष्णु है ये। और आगे देखिए अमरपति, वज्रधर, कौशिक, विबुधेश। इसके आगे आते हैं आकाश, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द और बहुत ही आसान। आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम, नभ, शून्य, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द शून्य, अनंत। नभ, व्योम, अंबर, गगन, अंतरिक्ष भी इसका एक पर्यायवाची शब्द है आकाश। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है गणेश। हमने कहा ना देवी देवताओं में से एक और आ गए गणेश जी, इनका पर्यायवाची शब्द है विनायक, गणपति, हेरम। हेरम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर सुना नहीं गया है गणेश जी के बारे में, इसलिए हेरम शब्द को तुरंत ही अपने दिमाग के डेटा में फीड कर लें। आगे बढ़े वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर, ये सब तो आपको पता ही होगा। इसके बाद रात्रि, रात्रि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, रात्रि के पर्यायवाची शब्द विभावरी, निशा, यामिनी, रजनी, शर्वरी, त्रियामा। इसके बाद हम आगे चलते हैं सूर्य, सूर्य देवता के पास पहुंच जाते हैं। सूर्य एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है मार्तंड, सविता, भानु, भास्कर, आदित्य, या इसको एक अगर आप लय में याद करना चाहते हैं जैसे मैंने याद किया था कभी, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, प्रभाकर, दिनेश, सूर, ये सब भी इनके पर्यायवाची शब्द हैं सूर्य के, जो कि यहाँ पर अभी लिखे नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आपको मेरा सुर लय अच्छा लग रहा हो तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, प्रभाकर, दिनेश, सूर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कपड़ा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका पर्यायवाची अक्सर ही पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी रहा है, आप पुराने पेपर पलटेंगे तो उसमें देखेंगे कपड़े का पर्यायवाची कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। इसका पर्यायवाची शब्द है अंबर, वस्त्र, परिधान,
वसन और ची, ये सब हम सबने सुन रखे हैं। आगे पढ़ते हैं। घोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट। अश्व, सैंधो, तुरंग, घोटक, रविसुत, हय, वा, ये घोड़ा के पर्यायवाची हैं। इसके आगे गंगा, गंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। गंगा का पर्यायवाची शब्द है बंदाकिनी, मंदाकिनी, सुरधुनी, देवपगा। देवपगा बिल्कुल ही याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। हो सकता है कभी आपको देवपगा दे दे और उस आपसे पूछा जाए कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आप उसमें गंगा लिख सकते हैं। देव नदी, त्रिपथगा, क्योंकि ये तीन पथों से होकर के जाती है ना, कि संगम होता है, संगम वहां पे तीन नदियों का हमने सुना है, इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती, इसलिए इसको त्रिपथ गा भी बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये पृथ्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है धरती, मही, अवनी, भू, धरणी, वसुधा। इनके अलावा भी बहुत से पर्यायवाची शब्द हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप ये पीडीएफ देख करके जान जाएंगे कि यहाँ पर जो मैंने पर्यायवाची शब्द बताए हैं वो कितनी कितनी बार आ चुके हैं। तो अब एक साथ पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे के सारे वर्ड्स आपको यहाँ पर बताऊं, इसलिए हमने ये पीडीएफ बना रखा है और इसे अपलोड भी कर दिया है। अगर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमें आप एक कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम इस तरीके से आपके लिए और सारे जो हिंदी के वर्ड्स हैं उनका विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, विशेषण, इस तरीके से जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि समीक्षा अधिकारी में आने वाले हैं उनका वीडियो बना करके हम अपलोड करेंगे और आप उन्हें पढ़ते जाइए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और देखते रहें अवेल गुरु चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।